हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो इस टाइम मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ये है 46 सेक्टर से 32 सेक्टर हॉस्पिटल की ओर जाती हुई रोड। और उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, मेरे पीछे हाउसिंग बोर्ड के LIG मकान है। हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर बैक साइड पर लोगों ने दरवाजे ओपन किए हुए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। बैक साइड पर यहाँ पर डोर ओपन थे और दरवाजे खुले हुए थे रोड के बिल्कुल जस्ट साथ में। और यहाँ पर उस तरफ आप देख सकते हैं साइकिल ट्रैक अवेलेबल है। और इस तरफ आप अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फुटपाथ भी ढंग से नहीं है और लोगों के जो घरों के दरवाजे हैं वो बाहर की तरफ बैक साइड ऑन रोड में खुले हुए थे। तो सरकार ने इसके लिए पहले नोटिस भी जारी किया था चंडीगढ़ प्रशासन ने, उसके बाद लोगों ने अपने दरवाजे नहीं बंद किए थे। उसके बाद अब सख्त कार्रवाई के आदेश आ गए हैं, उसके बाद ये दरवाजे यहाँ से बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं अभी नए नए दरवाजे यहाँ से बंद हुए हैं। और बिल्कुल अभी सभी लोगों ने अपने यहाँ से बैक डोर के जो दरवाजे हैं, जो मेन रोड को लिंक करते थे, टच करते थे, वो सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। आगे भी देखते हैं जाकर, कुछ लोग अभी भी काम करवा रहे हैं और कुइयों के दरवाजे अभी भी बंद हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा खतरे वाला काम हो गया था। जैसे कि यहाँ पर अगर बैक साइड पर कोई बैठ जाता है, कोई बच्चे आ जाते हैं, लोग अपना घरों से सीधा बाहर की तरफ निकलते हैं, तो सामने मेन रोड है। अब मेन रोड के पास निकलते ही जब कोई भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उससे बचने के लिए या फिर यहाँ की स्पेस लेने के लिए सरकार ने इसका ऑर्डर जारी किए हैं और सभी दरवाज़ों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जिसके कि सभी लोगों ने अपने दरवाज़ों को बंद कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं सबके दरवाजे तकरीबन बंद हैं और जितने भी यहाँ पर रोड साइड पर दरवाजे हैं सभी बंद हो चुके हैं। यहाँ पर एक दो दरवाजे हैं वो डेंटल क्लिनिक वगैरह का, कोई हॉस्पिटल चैरिटेबल तो उसके ओपन है, क्योंकि हो सकता है उनको परमिशन होगी क्योंकि वह एक संस्था का काम कर रहे हैं। बाकी कुछ कह नहीं सकते उस बारे में, काम अभी भी चालू है। तो हादसों का शिकार ना हो और सरकार को उनकी जगह मिल जाए। दोस्तों यहाँ पर फुटपाथ भी यूज़ नहीं हो पाता था और ना ही साइकिल ट्रैक को यूज़ कर पाता। साइकिल ट्रैक मेन रोड पे बना हुआ है, साइकिल ट्रैक यहाँ पर होना चाहिए था और फुटपाथ भी चाहिए। वैसे इन दोनों में से एक ना एक चीज़ तो होनी चाहिए। प्रशासन ने अपना फैसला ले लिया और लोगों ने रूल को ओबे कर लिया है। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।